हेलो गाइस, मेरा नाम है अनीस। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम इस पियोनिल GD118 ड्रोन का वेट लिफ्टिंग टेस्ट करने वाले हैं। मतलब ये जो ड्रोन है वो हवाओं में कितनी वेट लेकर उड़ सकती है। तो इसीलिए आज की इस वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो के लिए लाइक का बटन दबा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में नोटिफिकेशन बेल को दबाकर उस पर सेलेक्ट कर लेना। तो चलिए मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। तो दोस्तों, हमने कुछ इस तरह का कुछ कागज़ के कप के अंदर कुछ इस तरह के सेल ग्लू गन की मदद से कुछ इस तरह से फिक्स किया है, ठीक है। तो हमने एक कप में एक सेल, दूसरी कप में दो सेल, तीसरी कप में तीन सेल और चौथी कप में चार सेल, कुछ इस तरह का वेट्स हमने इधर बनाया है। तो सबसे पहले कप का वेट की बात करते तो गैस, इसका जो वेट है इंक्लूडिंग बैटरी, तो वो है 18 ग्राम्स। तो हमने ऐसे ही और तीन जो कप्स है उसका भी वेट मेज़र कर लिया है। तो दूसरी बैटरी है, मतलब दो बैटरी के साथ इसका जो वेट है वो है 34 ग्राम, और यह है मतलब चार बैटरी के साथ ये है 62 ग्राम्स, और लास्ट जो तीन बैटरी के साथ तो ये है 56 ग्राम्स का, कुछ इस तरह से हमने वेट बनाया है। तो इसको हम इस ड्रोन के ऊपर फिक्स करेंगे, फिर देखेंगे इसको फ्लाई करके, तो फिर देखेंगे ड्रोन क्या इन्हें लेकर हवा में उड़ पाता है या नहीं। और अगर ड्रोन इन इन जो हाइस्ट है वो है ये, अगर ड्रोन इसको भी लेकर उड़ गया तो हम ये जो वेट है फिर से इसके ऊपर ऐड कर देंगे। तो जहाँ तक मुझे लगता है ये जो ड्रोन है कुछ ये जो कप है इसको ही उठा सकती है हाइस्ट। तो इस जो कप का वेट है वो है कहाँ गया 62 ग्राम्स। और आपको क्या लगता है ड्रोन कितना वेट उठा सकता है तो वो मुझे कमेंट में जरूर से लिख देना, तो मैं भी तो देखो आपका जो गेस है कितना ज़्यादा एक्यूरेट होता है। इस एक्सपेरिमेंट को करना हम शुरू कर लेते हैं, तो चलिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जो कप है इसको इसके ऊपर रख देते हैं। तो इसके लिए हम इस तरह से ग्लू स्टिक लेंगे, तो इसको हम कुछ इस तरह से पिघला लेंगे, फिर हम इसे फिक्स करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम एक बैटरी सेल से देखते हैं ड्रोन इसको लेकर उड़ पाता है या नहीं। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो जो ड्रोन है इस बैटरी सेल को लेकर आसानी से उड़ पा रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, तो इसमें इसको लेकर उड़ने में कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही है, ये काफ़ी हाइट तक भी फ्लाई कर पा रहा है। तो इस जैसे कि आपने देखा, एक बैटरी मतलब 18 ग्राम से ये जो ड्रोन है वो इसको आसानी से उठा पा रही है। तो ऊंचाई में भी इसका कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो नॉर्मली ये फ्लाई कर रहा है। तो इस अभी इसको हम लैंड कर लिए है। तो इस अब हम वेट को थोड़ा बढ़ाते हैं। तो इस अब हम 34 ग्राम्स मतलब दो सेल से इसको फ्लाई करके देखते हैं। और दोस्तों, मैंने इस ड्रोन का फुल अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो भी बनाया है, तो वो वीडियो अगर आप देखना चाहते हो उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन में दे दूंगा। तो इस जैसे कि आप देख सकते हो, दो सेल से भी ये जो ड्रोन है वो आसानी से हमारा फ्लाई कर पा रहा है। तो काफ़ी अच्छी तरह से फ्लाई कर पा रहा है। थोड़ा पावर ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, तो फिर भी कोई ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आसानी से उड़ पा रहा है और स्टेबिलिटी भी ठीक ठाक है। तो 34 ग्राम्स भी ये ड्रोन हमारा आसानी से उठा पाया है। और गाइस, आने वाले दिनों में हम इस ड्रोन के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी करने वाले हैं अच्छे अच्छे और अगर आपके दिमाग में कोई एक्सपेरिमेंट है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर से बता देना, मैं आपके कमेंट के ऊपर ज़रूर से वीडियो बना दूंगा। तो बाकी 34 ग्राम्स तो ये आसानी से उठा पाया है, तो और एक लेवल बढ़ाते हैं। मतलब अब ये 56 ग्राम्स का कप है, तो अब देखते हैं ये कैसे उठा पाता है या नहीं। तो चांस मतलब उठा पाएगा आई थिंक। तो ड्रोन को ज़्यादा पावर इस्तेमाल करना पड़ रही है, मतलब इसका जो ब्लेड्स है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से घूम रही थे पिछली बार से ज़्यादा, क्योंकि इसका वेट बढ़ गया है और काफ़ी अच्छी तरह से ये भी फ्लाई कर पड़ा है। और स्टेबिलिटी में कोई ज़्यादा उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है, स्टेबिलिटी भी ठीक ठाक है। तो तीन सेल को भी ये आसानी से उठा पड़ा है, हम ये कह सकते हैं। देख सकते हो ऊंचाई में भी ठीक ठाक ले पा रही है, तो तीन सेल मतलब 56 ग्राम भी ये आसानी से उठा पा रही है। और गाइस, जो कप का वेट है वो मैं समय समय में माइनस कर रहा हूँ और आपको मालूम चल जाएगा। और जो सेल है वो सभी एक वेट की नहीं है, मतलब अलग अलग सेल है, मतलब अलग अलग ब्रांड की, इसीलिए थोड़ा कोई मोटा कोई पतला, तो इसी सबसे मैं मेज़रमेंट कर रहा हूँ। बाकी तीन सेल से ये आसानी से उठा पड़ा है हमारा ड्रोन।
तो चलिए दोस्त और एक लेवल बढ़ाते हैं, मतलब लास्ट जो कप है हमारे पास 62 ग्राम्स का, देखते हैं इसको क्या उठा पाता है या नहीं। तो मेरा आइडिया है तो यही हाईस्ट उठा पाएगा, तो देखते हैं। तो ड्रोन को हम फ्लाई कर लेते हैं। ओ तो गाइस 62 ग्राम उठाने के लिए इस ड्रोन को थोड़ा ज़्यादा ही मेहनत करना पड़ रहा है, तो आप इसके ब्लेड्स की स्पीड सुनकर मतलब इसके आवाज़ सुनकर पता लगा सकते हो। और बाकी स्टेबिलिटी अगर बात की जाए तो स्टेबिलिटी में कोई भी ज़्यादा फ़र्क नहीं है, स्टेबिलिटी इसका बिल्कुल बढ़िया है, क्योंकि हमने जो इसका वेट है वो ड्रोन के बिल्कुल मिडिल में फिट किया था, तो इसीलिए स्टेबिलिटी का कोई भी पंगा नहीं है, ये आसानी से फ्लाई कर पा रहा है। तो गैस 4 सेल को भी ये आसानी से उठा पा रही है, तो 4 सेल मतलब 62 ग्राम्स, तो इन्हें भी ये आसानी से उठा पा रही है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, और ड्रोन को थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ रही है, तो फिर भी ये फ्लाई हो रहा है। तो गैस चलिए इसके ऊपर और एक सेल ऐड करते हैं। तो गैस हम 5 सेल कुछ इस तरह से ऐड करते हैं, तो अभी इसका जो वेट है वो हो गया है 79 ग्राम्स, जो कि इसका जो कप का वेट है 1 या 1.5 ग्राम, तो उसको मैंने माइनस कर दिया है। तो 79 ग्राम देखते हैं उठा पाता है या नहीं। ओ तो 79 ग्राम उठाने से इसका जो स्टेबिलिटी है वो थोड़ा फीकी पड़ गई है, तो जैसे कि आप देख सकते हो, फिर भी उतना भी ज़्यादा नहीं, मैं इसको कंट्रोल कर पा रहा हूँ, तो स्टेबिलिटी में थोड़ा फ़र्क आ ये है। लेकिन ये ड्रोन और ऊपर भी नहीं जा रही है, थोड़ी सी ये ऊपर मतलब ज़मीन के ऊपर लेविटेट ही कर रही है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, जॉयस्टिक बिल्कुल ऊपर है लेफ्ट वाली टोटल, तो फिर भी ड्रोन ऊपर नहीं जा पा रही है, क्योंकि इसके अंदर वेट है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। तो फिर भी देखते हैं ये कब तक बिल्कुल ज़मीन में ही रहता है, मतलब थोड़ा सा भी उठ नहीं पाता है। तो अभी 96 ग्राम, मतलब हमने 6 सेल ऐड किया है इसके अंदर। तो अब देखते हैं क्या थोड़ा सा भी उठ पाता है या नहीं ज़मीन से। ओ तो इस अभी भी 96 ग्राम लेकर भी ये जो ड्रोन है वो ज़मीन से तो उठा है, इतना तो हुआ ही है, और लेकिन इससे ऊपर नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कैसे सिर्फ ज़मीन के ऊपर ही कुछ इस तरह से फ्लाई कर रहा है, मतलब तैर रहा है, ये हवा में नहीं जा पा रही है। तो फिर भी 96 ग्राम तो बहुत ज़्यादा ही होती है इस तरह से टॉय ड्रोन के लिए, तो फिर भी 62 ग्राम्स लेकर ये आसानी से फ्लाई कर पा रहा था, तो यही इस ड्रोन के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये टॉय कैटेगरी का ड्रोन है। तो अभी देखते हैं कब ये ज़मीन में टिका रहता है, मतलब थोड़ा सा भी नहीं उठता है। तो अभी इसके अंदर 112 ग्राम्स है, तो देखते हैं कि क्या होता है। ओ माय गॉड दोस्तों, ये फिर भी ज़मीन के ऊपर से तो उठ रहा है, मतलब लेविटेट जरूर कर रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा तो भी फ्लाई कर रहा है। ड्रोन अपना पूरा पावर लगा रही है, लेकिन हवा में नहीं जा पा रही है, लेकिन ज़मीन के ऊपर तो जरूर आ रही है, जॉयस्टिक बिल्कुल ऊपर है। तो हमें इसके ऊपर शायद और एक सेल ऐड करना पड़ेगा, इसको बिल्कुल ज़मीन से मतलब थोड़ा से भी जैसे ना उठे, तो उस हिसाब से करने के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ज़मीन से ऊपर एक कुछ इस तरह से फ्लाई कर रहा है, मतलब तैर रहा है। तो ठीक है, और एक सेल ऐड करते हैं, मतलब अभी इसका जो टोटल वेट है वो है 129 ग्राम्स, तो आप इसे 130 ग्राम समझ सकते हो, देखते हैं इसको ये उठा सकते हैं या नहीं। और ओ नहीं दोस्तों, नहीं दोस्तों, 130 ग्राम्स के ऊपर ये जो ड्रोन है वो नहीं उठा पा रही है, मतलब 8 सेल हमने इसके ऊपर ऐड कर दिया है, तो तब जाकर ये ड्रोन ज़मीन से उठ भी नहीं पा रहा है, ये ज़मीन से टच होकर कुछ इस तरह से जा रहा है। तो ऐसा भी जो कंक्लूजन है, ये जो ड्रोन है वो 60 या 62 ग्राम्स को आसानी से लेकर हवा में अच्छे खासे उड़ सकती है। तो हम बोल सकते हैं जो ड्रोन है वो 70 to 75 ग्राम्स के किसी भी चीज़ को लेकर हवा में उड़ सकते हैं, लेकिन उससे ऊपर नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं उड़ेगा, मतलब लेविटेट करेगा ज़मीन के ऊपर। तो अगर उम्मीद है वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, तो इसके लिए लाइक का बटन जरूर दबा देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और पास में नोटिफिकेशन बेल को दबा कर पर सेलेक्ट कर लेना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।